अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर गाउन की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। पहले हम आगे के पल्लन में डिजाइन बनाएंगे, तो हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, वो 3 इंच की लेंगे। 3 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इसकी लंबाई गले की 4 इंच, और इसको पहले हमें चौकुटा निशान लगाना है, उसके बाद यहाँ से गोलाई का शेप। अब इसको हम यहाँ से बीच में से भी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी 2 इंच पे। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों साइड। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और उसको तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ से हमने इसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच की पट्टी की। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब इसको हम अंदर के साथ दबा के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अभी हमारा उल्टा है, गले के ऊपर भी लगाएंगे हम इसी तरीके से पट्टी। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम पाइप लगाएंगे, तो ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमने पट्टी को रखा है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से पाइप लगानी है। इसको हम यहाँ से डबल करेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच इसको खुला रखेंगे। अब यहाँ से हमें इसको पट्टी को लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी इसको यहाँ से जोड़ेंगे बराबर करके। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। अब इसका भी हमें पीछे का गले की जो चौड़ाई है वो हमें, जैसे हमने आगे के गले की 3 इंच चौड़ाई ली है, तो पीछे के गले की भी हमें 3 इंच की चौड़ाई लेनी है, और इसकी लंबाई 3 इंच की। अब इसको हम गोलाई में शेप देंगे। अब
अब इसमें से हम पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग को हमें जोड़ना है। अभी हमारा उल्टा है, उल्टे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब इसको आगे की साइड दबा के सिलाई लगाएं। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे। अभी शोल्डर को पीछे की साइड करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारे आगे पीछे के पल्लर जुड़ गए। अब हम नीचे का घेर लगाएंगे। अब ये हमारी बीच की कली है, तो इसमें हम ये बगली वाली कली को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। अभी हमारी बगली वाली पट्टी है, यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। अब हमने 1 इंच की चौड़ाई ली है और इसको सीधा काटा है। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। अब इसको हमें अंदर की साइड दबा के पाइपिंग बनानी है। अब ये दूसरी पट्टी है, इस पे भी इसी तरीके से पट्टी को लगाएंगे, पाइपिंग को। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पाइपिंग वाले पल्लर को रखेंगे। अब ये दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। अभी हमने आगे की पाइपिंग लगा ली है। अब पीछे की साइड हम इसको पाइपिंग नहीं लगाएंगे, इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। अगर पाइपिंग लगाना चाहें तो पीछे की साइड भी पाइपिंग लगा सकते हैं। अब हम इसको डबल करके यहाँ से इसको बराबर गोलाई में कटिंग कर लेंगे, आगे के पल्लर को और पीछे के पल्लर को भी इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा बीच का सेंटर है और इसको भी डबल करके हमें बीच में निशान लगाना है। अभी दोनों निशानों को हम यहाँ से मिलाएंगे। अब सिलाई लगाएंगे। अभी कपड़े को दबा के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी हमारा आगे का घेर तो जुड़ गया, अब पीछे का भी जोड़ना है। पीछे की साइड हमने कलियां जोड़ी है और इसमें पाइपिंग नहीं लगाई है। जैसे हमने आगे की कली जोड़ी है उसी तरीके से हमें पीछे की कली जोड़नी है, बस इस पे हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमने पीछे का पल्लर जोड़ेंगे। इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है, जिससे हमारा ये कपड़ा निकलेगा नहीं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे।
फिटिंग के लिए हम यहाँ पे एक इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हमें तिरछा इस तरीके से निशान लगाना है। हमारी कमर पे डेढ़ इंच होना चाहिए, यहाँ पे हमारा डेढ़ इंच रहेगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको कम करते हुए घेर की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड निशान लगाने हैं। अब हम इसमें बाजू जोड़ेंगे और यहाँ से फिटिंग का नाप लेंगे इस तरीके से, तो हमारी फिटिंग बराबर है। अगर हम इसमें और फिटिंग करना चाहें तो यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा के इसको फिटिंग कर सकते हैं। अभी हमारी बाजू है, अब ये हमारा सीधा है। ऊपर हम ये पट्टी को रखेंगे। अब इसको अंदर के चार दबा के हम पाइपिंग बनाएंगे। अब यहाँ से हम ये बाजू को नापेंगे। अभी हमारी बाजू बराबर है, अब हम इसको जोड़ेंगे। अभी हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमने बाजू को रखी है। अब यहाँ से हमें कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे कपड़ा अंदर की साइड दब जाएगा और इसमें से रुआ भी नहीं निकलेंगे। अगर आप इसमें इंटरलॉक कराना चाहें तो इंटरलॉक भी करा सकते हैं। अब हम मौरी की फिटिंग करेंगे। अब जैसे हमारी यहाँ पे मोरी है 10, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हमें इस तरीके से निशान लगाना है और इसमें जोड़ना है फिटिंग में। अब इसी तरीके से हम दूसरी बाजू जोड़ेंगे और फिटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इसकी भी फिटिंग करेंगे, तो इसको बराबर नापेंगे और निशान लगा लेंगे। अब हम इसको डबल करके नीचे की गोलाई की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको बराबर करके और इसमें बहुत घेर है। अभी हमारा गाउन बन के तैयार है। आगे की साइड हमने पाइपिंग लगाई है दोनों साइड और इसी तरीके से हमने पीछे की साइड जोड़ा है, तो पीछे की साइड हमने पाइपिंग नहीं लगाई है, पीछे की साइड हमारा एक प्लेन है। और ये हमारा पीछे का पल्लर है। अब नीचे की साइड अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो आप नीचे की साइड पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इस पर पीको भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।